सियासी यात्राएं जो एक साधारण नेता को महान नेता बनने का रास्ता दिखा देती है, तो कई बार मरते हुए नेता को नया जीवन भी दे देती है। इसी कारण सियासत की नगरी में यात्राओं का चलन हमेशा से रहा है और इन यात्राओं की अहमियत भी अच्छी खासी रही है, क्योंकि ये जनता से जुड़ने के लिए या अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है जो नेताओं को लुभाता है। इसी का नतीजा है कि आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में आधा दर्जन से अधिक नेताओं की सियासी यात्राएं जनता के दिलों को छूने निकली हुई है। ऐसी ही एक यात्रा पिछले साल शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा। ये वो सियासी यात्रा है जिसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से जान फूंक दी थी। इस यात्रा ने सभी पार्टियों के बीच एक हलचल पैदा कर दी थी कि इस नेता या इस पार्टी का पुनर्जन्म ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिसमें राहुल गांधी ने पार्टी के कई नेताओं के साथ 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा की थी। अब इसी यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर 7 सितंबर को राजधानी जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर शाम 5 से 6 बजे कांग्रेस नेता पैदल यात्रा निकालेंगे। पैदल यात्रा के बाद सभाएं करेंगे। जयपुर में होने वाली पैदल यात्रा और सभा में राजधानी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के अलावा सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला अध्यक्षों को सर्कुलर भेजकर 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने के आदेश दिए हैं। सर्कुलर में पहली वर्षगांठ पर किए जाने वाले कार्यक्रमों सहित पूरा ब्यूरो भी दिया है। प्रदेश कांग्रेस के पास संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लेटर भेजा था, जिसमें हाईकमान के आदेशों का हवाला देते हुए भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर हर जिले में कार्यक्रम करने को कहा था। इसके बाद डोटासरा ने एक सर्कुलर जारी किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला अध्यक्षों को भेजे गए सर्कुलर में भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी फायदा होने का जिक्र किया है। डोटासरा ने सर्कुलर में लिखा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। यात्रा की वजह से कर्नाटक चुनावों में पार्टी ने सत्ता में वापसी की। यात्रा का यह प्रभाव आगामी सभी राज्य स्तरीय और लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा और हमारी सबसे पुरानी पार्टी के गौरव को बहाल करने का रास्ता साफ हो गया। भारत जोड़ो यात्रा के जिलों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। हर जिले में एक वरिष्ठ नेता की ड्यूटी लगाई गई है। पहली वर्षगांठ के कार्यक्रमों में कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों, विभागों, प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व और मौजूदा जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। इन कार्यक्रमों में भारत जोड़ो यात्रा की ज्यादा से ज्यादा फोटो और वीडियो का उपयोग करने के लिए भी कहा गया है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का कार्यक्रम होने के कारण इसकी पहली वर्षगांठ पर हर जिले में AICC के आदेशों के हिसाब से रैली और सभाएं कर जोड़वाने के लिए सर्कुलर भेजा गया। सभी जिला अध्यक्षों को वर्षगांठ पर किए गए कार्यक्रमों के सबूत उसी दिन शाम को प्रदेश कांग्रेस को भेजने होंगे। वही आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस AICC को इसके बारे में रिपोर्ट भेजेगी। पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा कर लोगों से मुलाकात की थी और इसी यात्रा का समापन 30 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। अब देखने लायक यह होगा कि कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा से चुनावी फायदा कितना होता है। नमस्कार।